जेके लक्ष्मी सीमेंट, यहां पर आप देखिए नतीजे आपको बाजार को पसंद आते हुए दिखे और उसके बाद बिल्डअप ऑफ पोजीशंस दोबारा होता हुआ दिख रहा है। प्राइस आपके सामने 525-526 आता हुआ दिख रहा है स्क्रीन पर, और फ्रेश रिकॉर्ड हाई तो नहीं है लेकिन हाँ चार, जी हाँ फ्रेश रिकॉर्ड हाई आपके सामने जेके लक्ष्मी सीमेंट का। ये काउंटर आपने देखा था 2017 मई को, ये 4 साल का हाईएस्ट लेवल आपके सामने आता हुआ दिख रहा है। 536 आपने एक बढ़िया मूव तब आते हुए देखा था और अब 530 के आसपास ये काउंटर फिलहाल ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। 47 लाख की एक ब्लॉक डील और 18 लाख की एक ब्लॉक डील मेरे सामने फिलहाल स्क्रीन पर होती हुई। जाते जाते और कहाँ आपको तेजी दिख रही है सरकारी स्पेस में, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन बढ़िया तरीके से ट्रेड करता हुआ, और अगर आप देखें तो बर्जर पेंट्स में एक अच्छा रुझान 810 रुपये 812 रुपये के आसपास आता हुआ दिख रहा है। वीरेन जी, बाजार बंद होने में सिर्फ 12 मिनट, बैंक निफ्टी 275 अंक ऊपर और निफ्टी फ्लैट 14 अंक का हरा निशान। इंट्राडे में स्विंग दिया करीब करीब, अगर आप देखें तो निफ्टी ने 15251 तक का, 54 तक का और 60 तक की ट्रेजेक्टरी का, माफ कीजिएगा, तो अच्छा मूव दिया। उसके बाद थोड़ा सा बैकफुट पे, कल एक बड़ा डिसाइसिव डे होगा याद रखिएगा, मंगलवार का फैक्टर भी यहाँ पे हावी होगा। और एक और चीज आपकी स्क्रीन पर आप देखें, गेल आईओसी, आईओसी 169 पर अपनी इस दौर की हाइएस्ट ट्रेजेक्टरी में, और यकीन मानिए ये मार्च 2020 के बाद के अब तक की सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट क्लोजिंग देने जा रहा है। आशीष, कुछ ऐड करेंगे आप आईओसी पे, और मेरे ख्याल से आप एक और ट्रेड ऐड करना चाहते हैं, प्लीज बताइए। वो बिल्कुल, तो देखिए आईओसी तो जब शैल जी ने इसको आइडेंटिफाई किया बीपीसीएल के बाद, एक बहुत ही अच्छा सेटअप है। 114-115 के लक्ष्य इसमें बहुत ही आसानी से मुझे लगता है देखने को नजर आएंगे। 108 के स्टॉप लॉस के साथ मेरे हिसाब से ये एक लॉन्ग ट्रेड है जिसको बीटीएसटी के तौर पे कैरी किया जा सकता है। मैं जेके लक्ष्मी पे बात करना चाहता हूँ, ये बहुत अच्छा पैटर्न है। मैं शैल जी को ये भी बताना चाहता हूँ कि जेके सीमेंट जो उनका एक फेवरेट स्टॉक रहा है, उसने जब 2017-2018 के कंसोलिडेशन के बाद सितंबर 2020 में 1500 के ऊपर का ब्रेकआउट दिया तो हमने देखा स्टॉक वहां से डबल हो गया। आप देखेंगे उसी तरह का पैटर्न अब जेके लक्ष्मी में बन रहा है। स्टॉक अपने 2017 के हाईस को करीब 4 साल के कंसोलिडेशन के बाद क्रॉस कर रहा है। मेरा मानना है 600 रुपए के लक्ष्य बहुत ही जल्द जेके लक्ष्मी में देखने को नजर आ जाएंगे। 515 के स्टॉप लॉस के साथ इस पे खरीदारी करनी चाहिए। और छोटा सा एक डेटा पॉइंट, मार्च 2020 में डीआईआई की होल्डिंग 19% इस स्टॉक में थी, जो आज बढ़कर 26% के आसपास आ गई है। मतलब डीआईआई ने इस पूरे एक साल में 7% अपनी होल्डिंग इस स्टॉक के अंदर बढ़ा चुके हैं। सुबह चर्चा हुई थी लॉरस फार्मा पर, ध्यान दीजिए ये काउंटर हम लोगों ने पकड़ा था लगभग 487 के आसपास, और अब दिन का उच्चतम लेवल और रिकॉर्ड हाई आपके सामने आता हुआ दिख रहा है 517 रुपये, उसी के आसपास ये काउंटर आपको बंद होता हुआ दिखेगा। बढ़िया वॉल्यूम, लगभग 70 लाख शेयर ट्रेड हुए हैं। चंदन तपड़िया साहब ने जुबिलेंट इंग्रेविया मार्क किया था जैसे